राम राम दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि सब ठीक होंगे। तो आज हम ये बढ़िया सा पालक के क्रिस्पी से समोसे बनाएंगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने जार ले लिया है, पालक को मैंने अच्छे से धो लिया है 2-3 बार और काट लिया है। इसको जार में डाल के इसको ग्राइंड करेंगे। पालक प्यूरी बन चुकी है। इसको मैंने आधा कप पानी डाल के ग्राइंड किया था। आधा किलो मैदा ली है, इसमें डाल लेंगे। एक कटोरी इसमें आटा डाल रही हूँ। एक चम्मच नमक डाल रही हूँ और ये 1 चम्मच अजवाइन है, इसको क्रश करके डालेंगे। अभी इसमें घी डालूंगी। घी मैं आपको बीच में बताऊंगी इसमें कितना डालना है। अभी इसको 2 चम्मच डाल के मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसमें मैंने इतना घी डाला है आटा मुट्ठी में बंधने लग जाए। घी या रिफाइंड आप इतना डालें इसके अंदर। अभी जो हमने पालक की प्यूरी बनाई थी इससे ये आटा लगा के तैयार कर लेंगे। रोटी का आटा लगाते हैं वैसे, इसको थोड़ा टाइट लगाना है। तो ये आटा लगा के हमने टाइट सा तैयार कर लिया है। अभी इसको ढक्कन लगा के आधा घंटे के लिए रख लेंगे। गैस पे कढ़ाई रख ली है, इसमें अभी ऑयल डालेंगे 2 चम्मच के करीब। सरसों या रिफाइंड आप कोई भी डाल सकते हो। हल्का सा गर्म होने देंगे तेल को। हल्का तेल गर्म हो चुका है, अभी 1 चम्मच जीरा डाल रहे हैं। खड़े मसाले डालेंगे कुछ, बड़ी इलायची है, 2 छोटी इलायची, दालचीनी और 2 लौंग। अभी मसाले चटक चुके हैं, अभी इसमें लहसुन और 2 हरी मिर्ची हैं ये डाल देंगे और हल्का सा इनको पका लेंगे। एक चम्मच कुटी हुई अदरक डाल रही हूँ और अच्छे से मिक्स करेंगे इसको भी। तो अभी ये मसाला पक चुका है और आलू बॉईल कर रखे हैं। अभी 2 चम्मच के करीब इसमें आलू डाल लेंगे और मिक्स कर लें अच्छे से। आंच को मीडियम रखें। बढ़िया सा मसाला बनके तैयार होगा। आलू में मैंने 3 सीटी ली थी, 3 सीटी में आलू अच्छे से बॉयल हो जाता है और फिर मैश कर लिया। अभी 1 चम्मच लाल मिर्ची, तीखी नहीं है ये, कलर के लिए है। 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1.5 चम्मच नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से डालें। जीरा पाउडर 1 चम्मच, एक चम्मच है अमचूर पाउडर खटाई के लिए और अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मसाला मिक्स कर लिया है और जो इसमें हमने खड़े मसाले डाले थे ये हम निकाल लेंगे। दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग वगैरह सारे निकाल लेंगे। इनका टेस्ट चाहिए था, वो आ गया मसाले में। अब ये बचे हुए आलू थे ये भी मिला लेंगे हम इसमें डाल के थोड़ा थोड़ा करके। मसाला अच्छे से पक चुका है,
अभी गैस को बंद कर देंगे। अभी गैस पे मैंने एक पैन रखा है और इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ। अभी इसमें आधा चम्मच जीरा डाल रही हूँ और हल्का चटकने देते हैं। अभी इसमें मटर डाल रही हूँ, आलू बॉयल था, ये मटर हम हल्का सा रोस्ट करके डालेंगे। आधे चम्मच इसमें नमक डाल रही हूँ, इससे जल्दी ये रोस्ट हो जाएंगे। चलाते हुए इनको 5 मिनट के लिए रोस्ट करें। तो मटर बढ़िया हो गए हैं रोस्ट। अभी गैस को बंद कर देते हैं। अभी जो ये मसाला बनाया था आलू का, इसी में डालेंगे हम ये, और अच्छे से इनको मिक्स करेंगे। अभी इसमें हरा धनिया डालेंगे और अच्छे से इसको भी मिक्स करेंगे और मसाला ठंडा होने के लिए रख देंगे। आधा घंटा हो चुका है। अभी आटे से लोई बना लेते हैं। बड़ी से इसको बेलना है। लोई बना के तैयार कर ली हैं। ऐसे लोई बनानी है, थोड़ी मोटी और बड़ी। आटा साइड कर दिया है, अभी लोई को बेल लेंगे पतला सा। अभी बड़ी सी रोटी बेल के तैयार कर ली है, बीच से इसको कट कर लें। आप देख सकते हैं इसको, ना ज़्यादा मोटा है ना ज़्यादा पतला है। ये मैदा का घोल बना रखा है मैंने, 1 चम्मच मैदा और पानी डाल के। अभी इस पे मैदा का घोल लगा लेंगे इसके किनारों पे। इसको मोड़ लेंगे और ये हम समोसे बना रहे हैं तो इसको हम समोसे का आकार देंगे। सादा समोसा तो आपने बहुत खाए होंगे, आज पालक के समोसे खाएंगे। तो इस तरह का बना के तैयार कर लिया है। ये जो हमने आलू का मसाला बना के तैयार किया था, ये ठंडा हो चुका है। अभी इसके अंदर डालेंगे, समोसे के अंदर 1 चम्मच या 1.5 चम्मच ही डालें, इससे ज़्यादा नहीं। अभी ऊपर से इसको घोल लगा के बंद कर लेंगे। घोल लगा लिया है, अभी इसको समोसे को बंद कर लेंगे अच्छे से दबा के। तो देखिए आप कितना बढ़िया सा समोसा बनके ये मसाला भर के हमने ये तैयार कर लिया है। अभी एक और बना के दिखाती हूँ मैं आपको। ऊपर घोल लगा लेंगे इसमें। अभी फिर से मोड़ के इसको ऐसे बंद कर लेंगे यहाँ से। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो ढेर सारे लाइक कमेंट करें। ऐसे ही बना लिया हमने इसको और अभी इसमें मसाला डाल लेंगे।
आप इसे छोटा बनाना चाहें तो छोटा भी बना सकते हो, बड़ा भी बना सकते हो। अभी फिर मैं इसमें ऊपर से घोल लगा लूँगी, इससे इसके किनारे अच्छे से चिपक जाते हैं। ऐसे ही दबा के इसको बंद करेंगे। ये भी बनके तैयार हो चुका है। ऐसे ही हम सभी समोसे बना के तैयार कर लेंगे। तो ये समोसे बना के हमने तैयार कर लिए हैं और गैस पे कढ़ाई रखी है, इसमें रिफाइंड भी गर्म हो चुका है। अभी डालेंगे इसके अंदर धीरे धीरे। मीडियम आंच पे गरम करें तेल को, अभी इनको पलटेंगे धीरे धीरे। पलटें आप, तेल गरम है, ज़्यादा तेल को गरम नहीं करना है, हल्का गरम हो तभी डालना है ताकि ये धीरे धीरे अच्छे से अंदर तक क्रिस्पी बने। आंच मीडियम रखें। अभी हमने इनको दोनों तरफ से अच्छे से सेक लिया है और निकाल लेंगे। आप देख सकते हो कितना अच्छा कलर आया है, अच्छे से तेल को झार लें। और थाली में निकाल लिया है इनको, ऐसे ही सभी बना के तैयार कर लेंगे। तो समोसे बढ़िया से बनके तैयार हो चुके हैं। अभी हम समोसे की चाट बनाएंगे। अभी समोसे को तोड़ लेते हैं और छोटे से टुकड़े कर लेते हैं इनको। आप देख सकते हो इतने बढ़िया से क्रिस्पी बने हैं। अभी इस पे हम ग्रीन चटनी डालेंगे। अभी इस पे लाल चटनी डालेंगे। अभी इस पे दही डालेंगे 2 या 3 चम्मच। अभी ऊपर से प्याज डालेंगे। काली मिर्च डालेंगे हल्की सी। बूंदी डालेंगे थोड़ी सी, रायता बूंदी है ये। चटपटा सा बनके तैयार होगा ये। अभी इस पे लाल चटनी डालेंगे। थोड़ी सी ग्रीन चटनी डालेंगे। ये समोसा चाट बनके बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। आप गर्मा गर्म खा सकते हो।